ठीक है, तो ये वाला डायग्राम हम लोगों ने देखा हुआ था लास्ट क्लास। देखो तो हमने ये डिस्कस किया हुआ था लास्ट क्लास में कि प्लांट के रूट में तो प्राइमरी रूट हो गए, सेकेंडरी रूट हो गए, उसके बाद रूट में रूट टिप पाई जाती है। तो वो जो रूट टिप पाई जाती है उसमें कई सारे रीजन पाए जाते हैं, और ये कई सारे जो रीजन पाए जाते हैं तो उनमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले आगे होता है रूट कैप वाला पार्ट। तो देखो जो रूट कैप वाला पार्ट तो हम वो डिस्कस कर रहे थे कि रूट कैप वाला जो हमारा पार्ट होता है तो रूट कैप वाले पार्ट में कुछ डेड सेल्स होती हैं और ये इंटरनल जो सेल्स होती हैं ये एपिडर्मल सेल की बनी हुई होती हैं, और ये काम क्या करती हैं कि ये इसको फ्रिक्शन से बचाने का काम करती हैं, क्योंकि ये जो कैप लगा हुआ है इसके कैप के जो पीछे वाला पार्ट है वो बहुत सॉफ्ट और बहुत डेलिकेट है और बहुत सी सॉफ्ट टिश्यूज से बना हुआ है। तो इसके जस्ट पीछे क्या होता है, रीजन ऑफ सेल डिवीजन। तो ऊपर से जो कैप है इस कैप के जस्ट अंदर वाला जो पार्ट है वो रीजन ऑफ सेल डिवीजन। तो वहां पर हम पूरी की पूरी प्रोसेस सेल डिवीजन की पढ़ चुके हैं। तो रीजन ऑफ सेल डिवीजन में क्या है कि ये वाला पार्ट जहां पे सेल्स लगातार कंटिन्यूअस डिवाइड करती रहती है, मीन्स ये लगातार कंटिन्यूअस सेल साइकिल में रहती है और डिवाइड करती रहती है। डिवाइड करने के बाद जो नई सेल्स बनती हैं तो वो सेल्स पीछे की तरफ पुश कर दी जाती है। पीछे की तरफ पुश करने के बाद वो सेल्स क्या करती हैं, अपने साइज को बढ़ाती हैं, अपने मास को बढ़ाती हैं, अपने डायमेंशंस को इंक्रीज करती हैं और इलोंगेट होती हैं। इसीलिए इस रीजन को हमने रीजन ऑफ इलोंगेशन कहा था। इसके बाद यहाँ पर इलोंगेट होकर के तो लगातार नई सेल्स बन रही है, तो इसके पीछे सेल्स और जो पुश कर दी जाती हैं उनमें सेल डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है और उन्हें हम कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन में डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, इसमें यूनिसेलुलर रूट हेयर निकल आते हैं। तो रूट हेयर जो होते हैं ये एपिडर्मल आउटग्रोथ है, मतलब कि जो बाहर की सेल्स होती है उन्हीं से ग्रोथ होती है। ये एपिडर्मली जो ग्रोन सेल्स होती हैं यही सेल्स क्या काम करती हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं और ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं और ये इनका फंक्शन होता है। ऐसे धीरे धीरे रूट कैप आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसका स्क्रीन शॉट होप कि आपने लास्ट क्लास में ही ले लिया होगा। अब चलिए तो हेडिंग डालेंगे रीजन ऑफ रूट, है ना, रीजन ऑफ रूट। इंपॉर्टेंट है, स्कूल में आपके 2 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है और डायग्राम के साथ में आएगा तो 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा, बट पूछा जाता है, नोट करेंगे। तो सबसे पहले नोट करेंगे, अ टिपिकल रूट पॉजेस 5 पार्ट। अ टिपिकल रूट पॉजेस 5 पार्ट। फर्स्ट रूट कैप। Root cap is made up of root cap is made up of parenchymatous root cap, जिसको सेल कहीं पे स्पेलिंग में दिक्कत हो बता देना। Root cap is made up of parenchymatous multicellular structure. Next point, the cells of root cap secrete mucilage. सर ठीक क्या बोला आपने mucilage से पहले? cells of root cap secrete mucilage. अब mucilage क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि इसका फंक्शन ही होता है कि फ्रिक्शन से बचाना। तो mucilage slippery बना देता है जिससे कि easily ये soil में penetrate कर सकता है और इसके अंडर जो cells होती है उनको फ्रिक्शन से बचाने का काम। Next point, cells of root cap, बहुत important point है, cells of root cap also possess starch grains. Cells of root cap also possess starch grain.
स्टॉप. द लेटर बिलीव टू बी, द लेटर बिलीव टू बी टेक पार्ट इन, लेटर बिलीव टू बी टेक पार्ट इन जियोट्रॉपिक मूवमेंट. जियोट्रॉपिक मूवमेंट क्या मतलब हुआ? लास्ट वाली लाइन प्लीज रिपीट कर दीजिए. लेटर, द लेटर बिलीव टू बी टेक पार्ट, लेटर बिलीव टू बी टेक पार्ट जियोट्रॉपिक, इन जियोट्रॉपिक मूवमेंट, इन जियोट्रॉपिक मूवमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इनफैक्ट नेक्स्ट सब हेडिंग, मेरिस्टमेटिक जोन. मेरिस्टमेटिक जोन और रीजन ऑफ सेल डिवीजन. मेरिस्टमेटिक जोन और रीजन ऑफ सेल डिवीजन. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो पहला वाला रीजन तो हमारा ये हो गया. सेकेंड पार्ट हमारा ये है, रीजन ऑफ सेल डिवीजन को हम लोग मेरिस्टमेटिक जोन बोलते हैं, क्योंकि सेल्स यहाँ पे मेरिस्टमेटिक सेल पाए जाते हैं. मेरिस्टमेटिक जोन नोट करेंगे. इट इज अबाउट 1 मिलीमीटर इन लेंथ. इट इज अबाउट 1 मिलीमीटर इन लेंथ. इट इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप. फुल स्टॉप. It is made up of compactly arranged meristematic cells. Full stop. They undergo repeated division. The compactly arranged meristematic cell. Meristematic cell. They undergo repeated division. They undergo repeated division and produces new cells for the growth of produces new cells for the growth of produces new cells for the growth of for the growth of root. Next, third subheading is region of elongation. It is about 4 to 8 millimeter in length. It is about 4 to 8 millimeter in length. Full stop. It is behind the growing point. Next point. This increases the length of root. This increases the length of root as cell elongate rapidly. Next subheading, root hair zone. Root hair zone is 1 to
6 centimeter in length, not millimeter. 6 centimeter in length. Most of the water absorption. Most of the water absorption occur at this region. Most of the water absorption occur at this region. Next point. The tubular outgrowth. The tubular outgrowth of tubular outgrowth of this region, tubular outgrowth of this region are called root hair. Next point. Root hair increases. Root hair increases the surface area of root. Root hair increases the surface area of root for absorption. Next point. Region of maturation. It forms bulk of the root. Region of maturation. It forms the bulk of root. Full stop. The cells of this region. Region of maturation. It forms. The bulk of root. Full stop. The cells of this region do not undergo further change. The outermost layer of this region. The outermost layer of this region has thick walled. The outermost layer of this region have thick walled, impermeable. Underline करेंगे thick walled or impermeable. Thick walled or impermeable cells. So the cells of this region do not undergo the pyrogenesis. Have thick walled or impermeable cells. Underline करेंगे ये question है भाई. So that this region cannot absorb. So that this region cannot absorb water and mineral. ठीक है, क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया? तो रीजन ऑफ मैचुरेशन की जो सेल्स होती हैं, है ना, रूट हेयर के पीछे वाला पार्ट है ना, वहां की जो सेल्स होती हैं, तो हम लोग वहां की सेल्स का मतलब इन वाले पार्ट की बात कर रहे हैं. ये जो पार्ट की सेल्स होती हैं, यहाँ पे जो सब सेल्स हैं, ये इम्परमेबल होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, इम्परमेबल होती हैं, और ये वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करती. वाटर का एब्जॉर्प्शन सिर्फ रूट हेयर का. ठीक, अब आ जाते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, है ना. तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के पहले एक बेसिक बात जिसको नहीं पता हो, हाँ, इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं हम ये बात कि हम लोग ये पढ़ते हैं कि रूट दो तरह के. तो कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते रहना.
हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि सभी बेसिक पार्ट लेके चलें। तो आप सबने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि रूट दो तरह की होती है, एक तो वो रूट होती है जिसमें इस तरह का एक प्राइमरी रूट होता है ना, तो इस तरह की एक प्राइमरी रूट होती है प्राइमरी रूट, और ये जो प्राइमरी रूट है इन्हीं से कुछ और रूट निकली हुई होती है जिनको कि हम सेकेंडरी रूट, और ये सेकेंडरी रूट से और फर्दर रूट निकली हुई होती है इन्हें हम लोग बोलते हैं टर्शियरी। तो ऐसे रूट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट, है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। जो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है ये सिस्टम मेनली पाया जाता है किसमें, डाइकॉट प्लांट, और हमें पता है कि डाइकॉट वो प्लांट होते हैं जिनके सीड में दो कॉटिलीडन पाए जाते हैं, या यूं कहूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूं कि जिनके सीड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ग्राम हो गया, चना हो गया, ग्राम हो गया, मैंगो हो गया, ये सब डाइकॉट है ना। तो पहला रूट का सिस्टम होता है टैप रूट। दूसरा जो रूट सिस्टम पाया जाता है उसे हम बोलते हैं एडवेंटेनियस रूट, एडवेंटेनियस रूट। तो ये हो गया हमारा एडवेंटेनियस रूट। तो अब ये जो एडवेंटेनियस रूट सिस्टम है हमारा, एडवेंटेनियस रूट, अब जो एडवेंटेनियस रूट सिस्टम है वो कैसा होता है, एडवेंटेनियस रूट सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबरस रूट सिस्टम बोलते हैं। एक ही चीज है, फाइबरस रूट सिस्टम बोलो चाहे आप एडवेंटेनियस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी ऐसी प्राइमरी रूट फूट नहीं होती, इसमें एक सिंपल सा कॉम्पैक्ट स्टेम होता है, तो एक कॉम्पैक्ट स्टेम की या डिस्क टाइप स्टेम होता है, और इसी से बहुत सारी रूट बाहर की तरफ नीचे की तरफ निकलती है। आप देखोगे अनियन में आपको दिखा दिया, आप घर में अनियन लेकर कहते हो, तो ये इसमें कौन किसमें किसमें पाई जाती है, तो देखो ये टैप रूट, ये एडवेंटेनियस रूट किसमें पाई जाती है, तो हम जितने भी मोनोकॉट हो, तो मोनोकॉट कौन हो गए, मोनोकॉट वो होते हैं जिनमें एक कॉटिलेडन पाया जाता है, मतलब कि जैसे सिंगल कॉटिलेडन जिनके सीड को दो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते आप, एग्जाम्पल के तौर पे राइस, एग्जाम्पल के तौर पे वीट। तो कुल मिलाकर के जितने भी क्रॉप प्लांट होते हैं सभी क्रॉप प्लांट में एडवेंटेनियस रूट सिस्टम पाया जाता है। इन द सेम वे जितनी भी ग्रासेस होती है वो भी सब मोनोकॉट होती है, तो ग्रासेस में भी एडवेंटेनियस रूट सिस्टम पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के पूरे प्लांट वर्ल्ड में दो तरह की रूट्स पाई जाती हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो हम उनको एडवेंटेनियस रूट सिस्टम बोलते हैं और दूसरा टैप रूट। तो मोस्टली होता क्या है कि टैप रूट जो सिस्टम होता है वही अलग अलग एडेप्टेशन के लिए प्लांट में अलग अलग इकोसिस्टम में पाए जाने की वजह से, तो अलग अलग ये फंक्शन अपने एडॉप्ट कर लेती है। तो फंक्शन क्या, एडेप्टेशन पे बेस्ड हम कहते हैं ये रूट का मॉडिफिकेशन। एग्जांपल के तौर पे जब हम रेडिश खाते हैं और कैरेट खाते हैं, तो रेडिश और कैरेट क्या होता है, उसमें फूड इकट्ठा हो जाता है, तो फूड को वो फूड स्टोरेज का काम करती हैं। उसी तरह से अब ये जो आपके बनियान ट्री होते हैं उन बनियान ट्री में प्रॉप रूट्स पाई जाती हैं, इसी तरह से मेज के प्लांट में, शुगर केन के प्लांट में उनका स्टेम वीक होता है तो वो गिरने ना पाए, इसके लिए वहां पे स्टिल्ट रूट पाई जाती हैं। इसी के साथ में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो मरीन क्लाइमेट में पाए जाते हैं, मींस वो डेल्टाइक रीजन में पाए जाते हैं, वहां पे राइजोफोरा वो रूट रेस्पिरेशन का फंक्शन करती है, तुमको राइजोफोरा कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे पाए जाने की वजह से अलग अलग जगह पे रूट का अलग अलग फंक्शन होता है। तो रूट अपने एम्बियंस के अकॉर्डिंग, अपने एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या अपनी इकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो अपने फंक्शंस को ऑप्ट कर लेती है। दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम। क्लियर है? यस सर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना हो, जिसे पता हो कोई बात नहीं, बेसिक काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बट यू मस्ट नो इट, आपको आना चाहिए।
अब देखो तो नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो इसमें आगे डाल दीजिए अच्छे ब्रैकेट में मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है टैप रूट ही है जो मॉडिफाई होती है किसी पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन ऑफ, है ना। तो नोट करेंगे modification are the changes occur in structure which do not alter their basic design but bring about morphological and physiological variation, for particular adaptation. ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फॉर पर्टिकुलर एडेप्टेशन। तो पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट हेडिंग है फ्लैशी टैप रूट। नोट करिए the tap root becomes flashy and swollen to store the food. Full stop. The secondary root remains thin. Full stop. Stem is reduced and disquiet in shape. अब disquiet का क्या मतलब हुआ, देखो अनियन आप लोग खाते हो, अनियन आप जब भी मार्केट से लेकर के आते हो वो ऐसी कुछ दिखाई देती है, और अनियन में यहां पे एक पार्ट होता है जिसको कि आप कट करके फेंक देते हो, दिस इज एक्चुअली disquiet stem. तो दिस इज डिस्क्वाइट रिड्यूस्ड स्टेम, और आप देखते हो कि यहां पे अनियन में डिस्क्वाइट रिड्यूस्ड स्टेम होता है, और उसके बाद फिर इस तरह से रूट जो होती हैं ये रूट क्या करती हैं बाहर की तरफ निकली हुई है ना, तो इसको भी हम डिस्क्वाइट स्टेम बोलेंगे। लेकिन यहां पर देखो क्या है कि ये अनियन में ये एडवेंटेनियस रूट पाई जाती है, लेकिन जब हम टैप रूट की बात करेंगे तो याद रखना, ये मैंने अनियन का एग्जाम्पल इसलिए बताया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अनियन में स्टेम कैसा पाया था, तो अनियन में जो स्टेम होता है दैट इज डिस्क्वाइड एंड रिड्यूस्ड, ठीक है। अब लेकिन जब हम टैप रूट सिस्टम की बात करते हैं, ये तो एडवेंटेनियस रूट, टैप रूट की बात करते हैं तो देखो आपने कैरेट खाया होगा, तो कैरेट में आप देखते हो ऊपर ग्रीन ग्रीन सा डिस्क शेप ऐसा पार्ट होता है, और डिस्क शेप पार्ट के नीचे फिर ये आपका इस तरह से कैरेट होती है ना, तो यहां पर आप देखते हो कि ये सिर्फ इतना स्टेम वाला पार्ट होता है, और इसके ऊपर फिर यहाँ पे रूट ये इस तरह से लीफ वगैरह लगी हुई है ना, तो ये भी डिस्क्वाइट, तो टैप रूट है ये डिस्क्वाइट, तो दोनों में ये जो स्टेम है इसको हम रिड्यूस और डिस्क्वाइट स्टेम कहें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे,
डिपेंडिंग ऑन शेप, डिपेंडिंग ऑन शेप, फ्लैशी टैप रूट्स, डिपेंडिंग ऑन शेप, फ्लैशी टैप रूट मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप. डिपेंडिंग ऑन शेप, फ्लैशी टैप रूट मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप. तो हमने ये जो टैप रूट सिस्टम है इसको, ये जो फ्लैशी रूट सिस्टम है इसको शेप के बेसिस पे इतने टाइप में डिवाइड किया. तो ये हो गया आपका कौन सा, कोनिकल पहला टाइप है. तो कोनिकल का एग्जांपल क्या है आपको साथ में देख के समझ में आ रहा होगा, कैरेट हो गया इसका एग्जांपल. और फ्यूजी फॉर्म, ये ऊपर से ऐसे पहले पतला फिर मोटा होता गया फिर पतला होता गया, है ना. तो सेकेंड है इसको फ्यूजी फॉर्म कहते हैं. तो फ्यूजी फॉर्म का एग्जाम्पल है रेडिस. और नैपी फॉर्म इस तरह से ऊपर एकदम चौड़ा और अचानक से टैपर हो जाना, इसको हम नैपी फॉर्म बोलते हैं. नैपी फॉर्म का एग्जांपल क्या है, टर्निप. और ये हो गया ट्यूबरस. ट्यूबरस में इस तरह से डिशेप फॉर्म होता है और इस तरह से होता है. और इसका एग्जांपल क्या है, स्वीट पोटैटो. क्लियर भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको ड्रॉ कर लीजिए. हाँ जी क्लियर है, नहीं ठीक है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट है आपके स्किल या प्रॉप दिया, नेगेटिव फोर्स दिया, ठीक है. तो नेक्स्ट आ जाते हैं नेगेटिव फोर्स, नोट कर लेना सबने, बोलते जाओ भाई, बताते जाओ मुझे. यस सर. ठीक है ग्रेट, तो मैं इसे हटाता हूँ और ये आप ड्रॉ करते जाएंगे अपने नोट्स में. फ्लैशी रूट के बाद दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर हम लोग आते हैं और सेकंड नंबर पर रूट है नेमेटोफोर्स. तो हेडिंग ला लेंगे नेमेटोफोर्स. देखो नेमेटोफोर्स बताने से मैं पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये मेनली पाए कहाँ जाते हैं. तो नेमेटोफोर्स का पाए कहाँ जाते हैं एग्जांपल किन प्लांट में, तो ये पाए जाते हैं एक्चुअली मैनग्रोव प्लांट. मैनग्रोव प्लांट क्या होते हैं, एनी वन ऑफ यू मैनग्रोव प्लांट क्या होते हैं, बोलो भाई. मैनग्रोव, चलो मैं बताता हूं. मैनग्रोव प्लांट मेनली वहां पे पाए जाते हैं जहां पे डेल्टा हो. डेल्टा क्या होते हैं, डेल्टा जहां पे रिवर ओशन से जाकर के मिलती है वहां पर डेल्टा का फॉर्मेशन, ठीक है. तो वहां डेल्टा बन, जैसे इंडिया में सुंदरबन डेल्टा हो गया, है ना, वो वर्ल्ड के सबसे बड़े डेल्टा में से एक है. तो वहां पे डेल्टा में पाए जाते हैं. तो एक्चुअली होता क्या है कि जो डेल्टाइक रीजन होते हैं वहां पर ये जो प्लांट्स होते हैं, तो मैं आपको नेमेटोफोर दिखाता हूँ, है ना. तो एग्जाम्पल रखिएगा मैनग्रोव प्लांट, एंड मैनग्रोव प्लांट ग्रोज इन डेल्टाइक रीजन. और डेल्टा में इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा. तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है, सुंदरबन डेल्टा है वेस्ट बंगाल में है. वेस्ट बंगाल में बे ऑफ बंगाल में जा करके जब गंगा रिवर गिरती है आखिरी में, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं. वहां पर जहां पर गिरती हैं तो वहां पर जो सॉइल है वो सॉल्टी है. सॉल्टी सॉइल में रूट रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, और अगर रूट को रेस्पिरेशन करने के लिए ना मिले तो रूट मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे. इनफैक्ट प्लांट फिर उसके बाद डेड हो जाएगा, राइट. तो देखो अब मैं आपको नेमेटोफोर्स दिखा. तो अब क्या होता है, अब सॉइल के में पूरा सॉल्ट है, रूट वहां पे खराब हो जाएंगे. तो अब देखो होता क्या है कि ये पूरा नेमेटोफोर, ये स्टेम हो गया, है ना, ये रूट हो गई और ये पूरा डेल्टाइक रीजन हो गया. अब इसमें क्या होता है, जो रूट्स होती हैं ये बाहर की तरफ निकल आती है ना. इन रूट्स को नेमेटोफोर्स कहा जाता है. नेमेटोफोर्स में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं. ये पोर्स क्या काम करते हैं, ये पोर्स रेस्पिरेशन का काम. तो कुल मिलाकर के मैंने कहा कि इकोलॉजी वहां की डिसाइड करेगी कि रूट क्या फंक्शन ऑफ करेगी. तो यहाँ पर रेस्पिरेशन करने के लिए ये नेमेटोफोर्स जो रूट होती हैं ये बाहर निकल आते हैं. एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक मात्र ऐसी रूट है
प्लांट वर्ल्ड में जो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती हैं। तो निमेटोफोर्स कैसी रूट है? दे आर, तो बता सकता है, दे आर निगेटिवली जियोट्रॉफिक रूट। नोट कर लो, दे आर निगेटिवली जियोट्रॉफिक रूट जो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करे, वरना बाकी जितनी रूट होती है सब ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रो करती, कोई सी भी रूट, ये ऐसी रूट है जो ग्रेविटी से अगेंस्ट ग्रो करती है। इनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, है ना, मेटोफोर्स में, ठीक है। और इन्हीं पोर्स से क्या होता है, ये ऑक्सीजन ले लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। चलो नोट करो, नेमेटोफोर्स आर ऑल्सो नोन एज, नेमेटोफोर्स आर ऑल्सो नोन एज रेस्पायरेटरी रूट्स, रेस्पायरेटरी रूट, फुल स्टॉप। दे आर फाउंड इन प्लांट, दे आर फाउंड इन प्लांट विच ग्रो ऑन सैलाइन सॉइल, विच ग्रो ऑन saline soil, full stop. They are mainly found in deltaic region, they are mainly found in deltaic region. Full stop. They grow against the gravity, they grow against the gravity for respiration, clear है भाई सबको? nematophore समझ में आ गया? Yes sir. Okay. तो ये हो गया हमारे nematophore। अब next है stilt root क्या होते हैं, prop root क्या होते हैं और stilt root क्या होते हैं। तो मैं आपको prop root और stilt root बताता हूँ। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रॉप रूट। फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या बोला आपने? नेक्स्ट हेडिंग में बेटा लिख देता हूं, थर्ड है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट, तो प्रॉप रूट्स को ही पिलर रूट भी कहा जाता है, पिलर ऑफ सपोर्ट। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये मेनली जो कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रॉप रूट, ये पाया जाता है बनियान की, और बनियान ट्री में, और बेसिकली बनियान में ही पाया जाता है। और इसको कहते क्या है बनियान को, फिकस बैगलेंसिस कहते हैं। तो फिकस बैगलेंसिस इसका बायोलॉजिकल नेम, फिकस बैगलेंसिस, क्रॉप रूट या पिलर रूट इनको कहा जाता है। चलिए अब आते हैं क्रॉप रूट या पिलर रूट क्या होते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप सब ने देखा होगा क्रॉप रूट्स को। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, मैंने अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो सर आप दोबारा बता सकते हैं, सेकंड वाला पॉइंट दोबारा से डिक्टेट करा सकते हैं? कौन सा? द सेकंड पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन द शेप फ्लैशी टॉप रूट्स में वी आर फॉलोइंग टाइप्स, डिपेंडिंग मतलब टैप रूट किस में, किस का, किस वाले पार्ट में होता है टैप रूट सिस्टम में? लास्ट लाइन बताओ, जो लास्ट लाइन आपने देखी हुई है। डिपेंडिंग ऑन शेप फ्लैशी टैप रूट मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, मैंने सर लास्ट मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। तो सबसे पहला हमारा था, पहला वाला रूट सिस्टम था, दैट इज अ फ्लैशी रूट सिस्टम, है ना, फ्लैशी रूट सिस्टम। तो सबसे पहले फ्लैशी रूट्स थी। फ्लैशी रूट्स में मैं बता चुका हूँ कि फ्लैशी रूट्स वो होती हैं जो फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। तो शेप के बेसिस पे ये वाला आपको स्क्रीनशॉट लेना था, ये वाला आपको स्क्रीनशॉट लेना था। तो शेप के बेसिस पे कोनिकल, फ्यूजीफॉर्म, नैपीफॉर्म और ट्यूबरस, ये चार तरह की होती है, ठीक है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
उसके बाद फिर नेक्स्ट नेमेटोफोर्स मैंने बताई थी जो रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नेमेटोफोर्स है और नेमेटोफोर्स ये हेडिंग है नेमेटोफोर्स, और नेमेटोफोर्स पाई जाती है मैनग्रोव प्लांट में, ये रेस्पिरेशन का काम करती हैं और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती है, राइट, दीज आर रेस्पिरेटरी रूट। तो ये हमारी सेकंड हेडिंग नेमेटोफोर्स। अब आ जाते हैं थर्ड वाली हेडिंग जो मैंने बताई, तो थर्ड हेडिंग जो है दैट इज क्रॉप रूट्स। तो देखो क्रॉप रूट मैं आपको दिखा रहा था, ये हमारी क्रॉप रूट रही, ये है प्रॉप रूट। देखिए तो प्रॉप रूट में क्या है, प्रॉप रूट्स हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही ग्रो करते। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि पहले ये एरियल रूट्स के फॉर्म में ग्रो करना शुरू करते, एक्चुअली ये स्टेम वाले पार्ट से निकलते, तो कुछ करेक्टरिस्टिक इनके अंदर स्टेम के भी रहते, धीरे 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 जाकर के प्रॉप रूट नीचे की तरफ। अब आप देखिए कि ये एरियल प्रॉप रूट है, ये इसी का डायग्राम, तो यहाँ पर ये एरियल रूट है स्टेम से जो नीचे की तरफ अराइज हुई है और इसमें प्रॉपर रूट कैप पाया जाता है। जैसे ये ग्राउंड को टच करती है तो ग्राउंड को टच करते ही जमीन के अंदर चली जाती है और ये जो प्रॉप रूट होती है इसका ऊपर वाला पार्ट ये स्टेम की तरह काम करने लगता है। एक्चुअली इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, बनियान का ट्री काफी वाइड होता है तो अगर ये इस तरह से पिलर की तरह इसको सपोर्ट नहीं करेंगी तो ये क्या होगा, ये इसकी ब्रांचेस टूट करके गिर जाएंगी। लेकिन जैसे ये प्रॉप रूट जमीन पे गिरती है ये पहुंचने के बाद खुद में एक प्लांट के जैसा फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है, इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह। इस तरह से बनियान का ट्री फैलता रहता है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ट्री है वो 7.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है और साउथ इंडिया में कर्नाटका में एक जगह पे है, और 7.6 हेक्टेयर में एक प्लांट एक ट्री है। तो अब एक ट्री का क्या मतलब, एक ट्री बहुत पुराना ट्री था, उसके प्रॉप रूट बनते गए प्रॉप रूट बनते गए, इस तरह से बनियान पूरा 7.6 हेक्टेयर में फैल गया। तो वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्री है, जो लार्जेस्ट एरिया में जिसने एक्वायर 7.6 हेक्टेयर उसने एक्वायर कर रखा है एक अकेले ट्री ने। तो इस तरह से प्रॉप रूट जो होती है इनका फंक्शन क्या होता है, इनका प्योरली फंक्शन होता है मैकेनिकल। तो ये क्या करती हैं, प्लांट को सपोर्ट करने का काम करती है। तो नोट करेंगे प्रॉप रूट, प्रॉप रूट्स आर प्योरली मैकेनिकल इन फंक्शन, फुल स्टॉप। दे आर थिक पिलर लाइक एडवेंटेनियस रूट, दे आर थिक पिलर लाइक एडवेंटेनियस रूट, दे आर थिक पिलर लाइक एडवेंटेनियस रूट which grow from and support heavy horizontal branches. Full stop. Example, banyan tree. Full stop. एक last point लिखेंगे, as root reaches the soil, they become thick and pillar-like. Full stop. The main trunk of tree often becomes indistinguishable. तो अक्सर जब इतना बड़ा ट्री हो जाता है तो आप यही नहीं बता पाएंगे कि इसमें एक्चुअल स्टेम कौन सा है, क्योंकि जब बहुत पुराना ट्री हो जाता है तो प्रॉप रूट्स होती हैं
वो अपने आप में एक लार्ज ट्री का शेप एक्वायर कर लेती हैं, तो ये बता पाना मुश्किल हो जाता है इनमें सबसे पुराना ट्रंक। फोर्थ हेडिंग डालेंगे रूट मॉडिफिकेशन में, स्टिल्ड रूट। ये क्वेश्चन आपसे सेपरेटली पूछे जाएंगे कि आप प्रॉप रूट्स क्या होते हैं, स्टिल्ड रूट्स क्या होते हैं, स्कूल वाले आपके 2-2 मार्क्स में पूछते हैं, और नीट में फंक्शन के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे भी पूछ सकते हैं लोग आपसे क्वेश्चन। तो अब आते हैं स्टिल रूट, तो मैं देखता हूँ स्टिल रूट भी मेरे पास होना चाहिए। मैं आपको स्टिल रूट भी दिखाता हूँ, तो फोर्थ है आपकी स्टिल रूट, है ना। देखो अब देखो क्या है कि आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, ये मेज का प्लांट, ठीक है। अब मेज के प्लांट में ये ऊपर की तरफ जो टॉप पे फ्लावर हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये दे आर मेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर से पॉलिन करते हैं, बहुत ध्यान समझना। और ये जो कॉब्स होते हैं जो आजकल आप लोग खा रहे होंगे मार्केट में आते हैं, कॉब्स जो होते हैं, ये एक्चुअली फीमेल फ्लावर। तो आप सोचिए एक ही प्लांट में अलग अलग फ्लावर अलग अलग पोजीशन में पाए जाते, ठीक है। तो यहां पर ये जो आप देखते हैं जो कॉब में जो भुट्टे आते हैं उसमें जो बाल जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते रहे, तो ये इनकी स्टाइल और स्टिग्मा होती है जो बाहर की तरफ दिखाई देते रहे। और जनरली इनका यूज किया जाता है जो केसर आता है उसके कंटामिनेशन में, तो जो सैफ्रन होता है उसको कंटामिनेट करने के लिए, मतलब जो झूठा सैफ्रन होता है वो बना करके मार्केट में बेचने के लिए लोग इन्हीं का यूज करते हैं, सैफ्रन का कंटामिनेशन में इसका यूज। ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन कि सैफ्रन में कंटामिनेशन क्या के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इसी के जो होते हैं इन्हीं को उसी कलर से रंग देते हैं, आप बता नहीं पाओगे सैफ्रन। तो आप देखते हो, आप कभी देते हो माउंटेन्स पे जाते हो, लोग बोलते हैं आप सैफ्रन ले लीजिए, 100 रुपए का 200 रुपए का, 100-200 रुपए का कहीं सैफ्रन नहीं आता आपको, 10 ग्राम 100 रुपए का मिलेगा, 200 रुपए का, वो यही होता है कॉप्स में, कलर करके बेच देते हैं, क्योंकि सैफ्रन इट्स द मोस्ट कॉस्टली स्पाइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, सैफ्रन इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड। तो ये जो होते हैं, तो ये इसमें क्या होता है कि नीचे की तरफ जिसका प्लांट होता है, तो प्लांट तो बड़ा होता है, और ये पाया जाता है जिया मेज, मतलब मक्के में, मेज में, और दूसरा ये पाए जाते हैं शुगर केन में, सैक्रम ऑफिशियनलम जिसको बोलते हैं शुगर केन को, तो उसमें पाया जाता है, और जिया मेज बोलते हैं मेज में, तो मेज में और शुगर केन में पाए जाते हैं। ये ऊपर से रूट निकलती हैं, ये रूट क्या करती हैं, यहाँ से जाकर के नीचे की तरफ चली जाती है, और ये रूट इनको सपोर्ट का भी फंक्शन करती हैं, कई सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इनको हम स्टिल्ट रूट बोलते हैं, तो एक्चुअली ये एरियल रूट है और फिर जाकर के नीचे की तरफ मिल जाती है, इनको हम स्टिल्ट रूट कहते हैं। इनके एग्जांपल ले याद रखिएगा, शुगर में शुगर केन और मेज, नोट करेंगे, दे आर शॉर्ट बट थिक सपोर्टिंग रूट विच डेवलप, दे आर शॉर्ट बट थिक सपोर्टिंग रूट विच डेवलप ऑब्लिकली, विच डेवलप ऑब्लिकली, ऑब्लिक डेवलपमेंट होता है, विच डेवलप ऑब्लिकली फ्रॉम द बेसल नोड ऑफ स्टेम, फ्रॉम द बेसल नोड ऑफ स्टेम। फुल स्टॉप। इन शुगर केन, इन शुगर केन एंड मेज, दे कैन बी सीन क्लियरली, फ्रॉम शुगर केन, इन शुगर केन एंड मेज, दे कैन बी सीन क्लियरली। फुल स्टॉप। आफ्टर पेनिट्रेटिंग टू सॉइल, After penetrating to soil, they develop fibrous root,
after penetrating to soil, they develop fibrous root, which hold the soil firmly. To provide support, after penetrating the soil, they develop fibrous root, which hold the soil firmly to provide support. Full stop. Underline करने के इस पॉइंट को. Additionally, next point है. Additionally, they allow better absorption of. Water, comma, mineral and salt. अब देखो, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट. सेकेंडरी फंक्शन क्या है? एडिशनल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया? स्टिल ट्रू? यस सर. ठीक है, तो ये हो गई हमारी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में आ गया, है ना. अब नेक्स्ट क्या है? हिमाटो फोर्स हो गया, स्टिल ट्रूट हो गया, प्रॉप रूट हो गया. अब नेक्स्ट आते हैं, हेडिंग डालिए द स्टेम. तो रूट वाला पार्ट हमारा हो गया, अब आते हैं स्टेम. अब देखो, पहले स्टेम की हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं स्टेम की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, फिर उसके बाद देखेंगे ऐसी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. तो स्टेम में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, नोड्स पाए जाएंगे, नोड पाए जाएंगे. तो ये खास बात होगी, स्टेम में ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसमें नोड या इंटर नोड ना पाए जाए. ठीक है, तो स्टेम में हेडिंग डालेंगे स्टेम डेवलप फ्रॉम. तो मैं आपको बता देता हूँ, स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लूमूल ऑफ एम्ब्रियो. तो अब कैसे हुआ, देखो, कोई भी एक सीड है तो एक सीड जर्मिनेट करता है. जब ये सीड जर्मिनेट करता है तो सीड में तो ये कॉटिलेडन हो गया, और सीड के अंदर ये जो पार्ट होता है, एक्चुअल में जो जर्मिनेशन में पार्ट ले रहा है, ये पार्ट है एम्ब्रियो. और ये सीड का आउटर कवर हो गया जो इसको, तो ये वाला हो गया एम्ब्रियो. तो ये हमारा एम्ब्रियो हो गया. और ये जो दूसरा वाला पार्ट है जो ब्राउन कलर का है, दिस इज कॉल्ड कॉटिलेडन. तो कॉटिलेडन का पार्ट काम क्या होता है? फूड स्टोर करना. तो फूड स्टोरेज का काम करता है. तो जब फूड जर्मिनेट करता है तो उसको, सॉरी, जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसको फूड सप्लाई करता है. तो ये नीचे की तरफ जो पार्ट निकलता है, इस वाले पार्ट को कहते हैं रेडिकल, है ना. और ऊपर की तरफ जिससे ये स्टेम वाला पार्ट बनता है, इसे बोलते हैं प्लूम्यूल. तो प्लूम्यूल से ही स्टेम का फॉर्मेशन होता है, और रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन, है ना. तो नोट करेंगे, स्टेम डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो. प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो, फुल स्टॉप. स्टेम इज जनरली पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक. जो लाइट की डायरेक्शन में मूव करे, मतलब ऊपर की तरफ. स्टेम इज जनरली पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक पार्ट ऑफ प्लांट. फुल स्टॉप. अब देखो, स्टेम की खास बात क्या होती है,
कि जहां भी स्टेम रहेगा, तो जैसे ये मान लेते हैं सुगर केन का स्टेम हो गया, तो ये सुगर केन का स्टेम हो गया या बेम्बू का स्टेम हो गया, कोई सा भी स्टेम, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो पार्ट होते हैं, ये वाले पार्ट, इन पार्ट, और इन्हीं वाले पार्ट से हमेशा लीव्स और ब्रांचेस निकलते हैं। देखो यही वो पार्ट होते हैं जिनसे न्यू लीव्स का फॉर्मेशन होता है, नई लीव्स यहीं से निकलती हैं, है ना, और यहीं से ब्रांचेस निकलते हैं। इन पार्ट को हम लोग नोड कहते हैं, है ना, और ये जो नोड के बीच का एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। अब एक बात और मैं आपको बताता हूं, अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई आप किस बेसिस पे प्रूव कर सकते हैं, किस बेसिस पे प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं पोटैटो स्टेम, अब भाई किस बेसिस पे प्रूव कर सकते हैं पोटैटो स्टेम, तो देखा जाए अगर पोटैटो स्टेम है तो भाई उसमें स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो ये पोटैटो का हो गया ट्यूबर, हम इसे ट्यूबर कहते हैं, तो पोटैटो के ट्यूबर में इस तरह से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, आपने देखा होगा, इनको हम आई कहते हैं, तो पोटैटो की आई, ये जो पोटैटो की आई होती है एक्चुअली नोड होती है। कैसे भाई नोड है, कैसे मान ले नोड है, क्योंकि यहीं से लीव्स का और नए स्टेम के पार्ट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए नोड है, ये वाला पार्ट नोड है, और इन दो नोड के बीच की जो जगह है इसको अपन कहते हैं, जो नोड के बीच का स्पेस है इसको अपन कहते हैं इंटर नोड। तो भाई यहाँ पे ट्यूबर में नोड और इंटर नोड मौजूद हैं, नोड और इंटर नोड पाया जाना स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक है, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पोटैटो का जो ट्यूबर है वो रूट नहीं है, वो स्टेम है, तो नोट करेंगे स्टेम बियर नोड एंड इंटर नोड फुल स्टॉप। द यंग स्टेम is green, the young stem is green and capable of young stem is green and capable of photosynthesis full stop. Most of stem bear and are capable of sir and capable of and capable of photosynthesis. Next point, young stem bear leaves, flower and fruit. Young stem bear leaves, flower and fruit. अब आ जाते हैं हेडिंग डालेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो जैसे हमने देखा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, वैसे अपन देख लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, है ना, तो स्टेम का मॉडिफिकेशन समझ लेते हैं, स्टेम कैसे कैसे मॉडिफाई होते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ टेंड्रिल फ्रॉन्ट। तो भाई स्टेम का मॉडिफिकेशन समझ लिया जाए, मॉडिफाई होकर किस पार्ट में कन्वर्ट हो सकता है, जस्ट अ मिनट, सिस्टम मॉडिफिकेशन, चलो देखो ये एक्चुअली एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है, मतलब वो स्टेम के मॉडिफिकेशन जो एयर में पाए जाते हैं, जो सॉइल के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे ट्यूबर जो होगा वो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है, वो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। तो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं क्या देखते हैं, सबसे पहले दे रखा है एनसीईआरटी भी आप साथ में देखते रहिए, टेंड्रिल्स दे रखा है ना, नोट करेंगे, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे टेंड्रिल्स। तो ये हो गए आपके स्टेम टेंड्रिल्स, ये देखिए फर्स्ट नंबर पे स्टेम टेंड्रिल्स। अब देखो स्टेम टेंड्रिल्स क्या होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हो गई लीव्स, और लीव्स और ये जो मेन स्टेम है इसके बीच से
यहां से एक स्टेम निकलता है। तो जो वीक स्टेम होते हैं उनको क्लाइंब करने में हेल्प करने के लिए यहाँ पे एक्सिलरी पोजीशन से, तो ये मेन स्टेम और ब्रांच के बीच की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी पोजीशन बोलते हैं। इस एक्सिलरी पोजीशन से यहां से इस तरह से स्टेम क्या होता है, वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है। ये किसी भी पार्ट में टच करता है और उस पार्ट को पकड़ लेता है और उसकी हेल्प से प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करता है। इनको हम स्टेम टेंड्रिल्स कहेंगे, ठीक है? तो नोट करेंगे स्टेम टेंड्रिल्स। स्टेम टेंड्रिल्स आर मेनली फाउंड इन, स्टेम टेंड्रिल्स आर मेनली फाउंड इन वीक स्टेम्स, आर मेनली फाउंड इन वीक स्टेम्स, फुल स्टॉप। They help stem. They help stem to climb. They help stem to climb for better exposure. For better exposure to light. Full stop. The tendril may be branched. Tendril भी branch और unbranched हो सकते हैं. The tendril may be branched or unbranched. Example: cucurbita. तो cucurbita मतलब cucurbita pepo बोलते हैं हम लोग कद्दू को. तो cucurbita पाया जाता है. Example: कुकरबिटा, लूफा। लूफा बोलते हैं भाई साहब बॉटल गार्ड लौकी को, लूफा, ठीक है। ग्रेप वाइन, तो ग्रेप में ही पाए जाते हैं ग्रेप वाइन। तो इन सब में ये स्टेम टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। एग्जांपल जो मैं आपको साथ में लिखाते जा रहा हूँ, एग्जांपल जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन इस पे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं नीट के लिए, है ना? ठीक है, तो इसमें स्टेम टेंड्रिल्स पाए जाते हैं क्योंकि कुछ लीफ टेंड्रिल भी हो। नेक्स्ट सब हेडिंग थॉर्न। तो देखो जो थॉर्न और स्पाइन में ही फर्क होता है, स्पाइंस जो होती हैं वो लीफ का मॉडिफिकेशन होते हैं, कांटे जो होते हैं स्पाइंस छोटे छोटे, तो वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। थॉर्न जो होता है ना, तो थॉर्न जो होता है वो किसका मॉडिफिकेशन है, थॉर्न जो होते हैं वो मॉडिफिकेशन किसका है, स्टेम का। इसीलिए थॉर्न ज्यादा मजबूत होते हैं। तो बबूल में जो कांटे होते हैं वो थॉर्न होते हैं, वो स्पाइंस नहीं होते। तो हैंड नेक्स्ट निकालेंगे थॉर्न। थॉर्न आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, दे आर stiff, sharp, they are stiff, sharp, they are stiff, sharp structure, full stop. Thorns not only reduces transpiration. Thorn not only reduces transpiration, but they are also defensive in nature. They are also defensive in nature as they protect plant from grazing animals, as they protect plant from grazing animal. ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल थॉर्न किस में पाए जाते हैं, सिट्रस में पाए जाते हैं, नींबू में पाए जाते हैं और बोगनविलिया में पाए जाते हैं। बोगनवेलिया,
तो ये दो एग्जांपल हैं, सिट्रस और बोगनवेलिया। बोगनवेलिया तो बहुत कॉमन प्लांट है और सिट्रस भी बहुत कॉमन प्लांट है। इन दोनों में थॉर्न के एग्जांपल में दोनों लिखे, थॉर्न हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आप देख रहे हैं थर्ड हेडिंग है फिलोक्लैड। फिलोक्लैड देखो, ये जो प्लांट आप देख पा रहे हैं फिलोक्लैड, इस प्लांट का नाम है अपंशिया। इसका डायग्राम आप देख पा रहे हैं अपंशिया, इसे नागफनी कहते हैं हिंदी में, अपंशिया। तो अब अपंशिया में देखो क्या होता है कि ये जो आपको स्पाइंस दिखाई दे रहे हैं ना, स्पाइंस नहीं क्या होते हैं ये, हाँ स्पाइंस, ये स्पाइंस जो दिखाई दे रहे हैं, तो स्पाइन तो लीफ का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो ये जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं इनको हम स्पाइन कहते हैं, तो स्पाइंस दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इस ग्रीन वाले पार्ट को हम फिलोक्लैड कहते हैं। ये जो ग्रीन सा पार्ट पूरा आपको दिखाई दे रहा है, इस कंप्लीट पार्ट को फिलोक्लैड कहते हैं। और स्टेम इस तरह से मस्कुलर हो जाता है, और आप इस फिलोक्लैड को काट के देखेंगे तो अंदर क्या होगा, स्पॉन्जी स्टेम निकलेगा और उसमें जेल भरा होगा। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर को स्टोर करना होगा। रीजन ये होता है कि अपंशिया एक डिजर्ट प्लांट है, ज़ेरोफिटिक कंडीशन में पाया जाता है, डेजर्टिक कंडीशन में पाया जाता है, वहां पर वाटर की डिफिशियंसी होती है। तो इस फिलोक्लैड के अंदर ये इसके दो काम होते हैं, एक तो ग्रीन होता है तो लीव्स है नहीं तो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, दूसरा काम क्या होता है इसके अंदर जेल के फॉर्म में वाटर स्टोर रहता है। इस तरह इस स्ट्रक्चर को हम फिलोक्लैड कहते हैं। ये आपके स्कूल के टीचर भी बहुत पूछते हैं इस क्वेश्चन को, नोट करेंगे फिलोक्लैड। फिलोक्लैड आर फ्लैटेंड और सिलेंड्रिकल। फिलोक्लैड आर फ्लैटेंड और सिलेंड्रिकल। तो अपंशिया में जो फिलोक्लैड पाए जाते हैं ये फ्लैटेंड आप देख रहे हैं, फ्लैट है, फ्लैट है ना। और दूसरा एक और प्लांट पाया जाता है, उसका नाम है यूफोर्बिया। यूफोर्बिया भी लोग सो केस में बहुत अपने घरों में लगा कर रखते हैं। यूफोर्बिया में ए सिलेंड्रिकल होता है, तो ये होता है सिलेंड्रिकल है और दोनों एक ही जैसे दिखाई दे रहा है, सिलेंड्रिकल और फ्लैट है ना। तो फ्लैट एंड, फ्लैट का फ्लैट एंड, फ्लैट एंड है ना। तो नोट करेंगे दे आर फ्लैट एंड और सिलेंड्रिकल, ग्रीन स्टेम, फुल स्टॉप। दे टेक ओवर फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे टेक ओवर फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एज लीव्स आर रिड्यूस्ड, एज लीव्स आर रिड्यूस्ड और मॉडिफाई इनटू स्पाइन, एज लीव्स आर रिड्यूस्ड और मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन ज़ेरोफिटिक प्लांट। इन ज़ेरोफिटिक प्लांट फुल स्टॉप। और एक और पॉइंट लिख लेंगे, दे ऑल्सो स्टोर वाटर, दे ऑल्सो स्टोर वाटर एंड लैटेक्स, दे ऑल्सो स्टोर वाटर एंड लैटेक्स। ठीक भाई, ओके हो गया। और अच्छा एक चीज और लिखेंगे, फिलोक्लैड्स हैव अनलिमिटेड ग्रोथ, इनकी ग्रोथ फिक्स नहीं है। फिलोक्लैड हैव अनलिमिटेड ग्रोथ, फोर्थ हेडिंग क्लैडोड। तो फोर्थ हेडिंग है क्लैडोड। तो क्लैडोड में खास बात क्या होती है, ये लिमिटेड ग्रोथ होती है इनमें, और ये भी फिलोक्लैड जैसा स्ट्रक्चर है, और ये भी ज़ेरोफिटिक प्लांट में पाए जाते हैं, मींस उन प्लांट में पाए जाते हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। नोट करेंगे क्लैडोड्स आर
ग्रीन सर, तो फिर फाइलोक्लैड्स और क्लैडोड्स में क्या डिफरेंस है? दोनों की पावर में डिफरेंस है, ये हाईली जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, ये लेस जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। मैंने क्या बताया, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जो प्लास्टम या रूट का मॉडिफिकेशन होता है वो डिफाइन करेगा कि उसकी इकोलॉजिकल कंडीशंस क्या है। तो यहाँ पर वाटर की ज्यादा स्कैरसिटी होती है, थार में भी पाया जाता है ये प्लांट, तो जो आपका अपंशिया है, तो यहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर ये स्पॉन्जी होता है, वाटर को स्टोर करने का काम करता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जीरोफिटिक प्लांट, ये भी जीरोफिटिक एडेप्टेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा हीट नहीं होती, वहां पे प्लांट पाए जाते हैं। ये वाटर को स्टोर करने का काम तो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे लीव्स रिड्यूस हो जाते हैं जिससे ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस किया जा सके, और यहाँ पर स्टेम जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन ऑप्ट कर लेता है। ऐसे स्टेम्स को जो लीव्स के जैसे दिखाई देते हैं, फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं और लीव्स का फंक्शन ऑप्ट कर लेते हैं, उनको क्लैडोड कहते हैं। क्लैडोड्स की ग्रोथ लिमिटेड होती है, लीव्स की तरह लिमिटेड ग्रोथ करते हैं। फिलोक्लैड अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं, यहाँ वाटर स्टोर होता है, यहाँ पे वाटर नहीं स्टोर होता है। ये हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं, ये कंपेरेटिवली लोअर टेम्परेचर में पाए जाते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। तो सेमी एरिड जोन में भी पाए जाएंगे क्लैडोड, तो नोट करेंगे इन क्लैडोड द ट्रू लीव्स आर रिड्यूस्ड, ट्रू लीव्स रिड्यूस्ड टू स्पाइन और स्केल, ट्रू लीव्स रिड्यूस्ड टू स्पाइन और स्केल, फुल स्टॉप। हियर द स्टेम ऑफ, हियर द स्टेम ऑफ फंक्शन ऑफ लीव्स, हियर द स्टेम ऑफ फंक्शन ऑफ लीव्स। और एग्जाम्पल इसका यह है रस्कस, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल है रस्कस, तो रस्कस में पाए जाते हैं क्लैडोड। तो ये हो गया हमारा क्लैडोड हो गया, पैटर्न पैटर्न पंचिया। ठीक है, एक और हेडिंग डालो, अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड स्टेम, फिफ्थ है अंडरग्राउंड स्टेम, नोट करिए। अंडरग्राउंड सिस्टम मेनली टेक्स द फंक्शन ऑफ, अंडरग्राउंड सिस्टम मेनली टेक्स द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज एंड mainly takes the function of food storage and
they are non-green, and they are non-green. Full stop. Buds and root occur on them. Buds and root occur on them. Full stop. Therefore, they also help in vegetative propagation. Therefore, they also help in vegetative propagation. तो ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं. आप एक मिनट, क्योंकि अंडरग्राउंड स्टेम के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं. तो बस इतना ही दे रखा है. पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड एक ये आया अंडरग्राउंड मोटिव. तो मैक्सिमम इनका काम क्या होता है, फूड स्टोरेज का. लेकिन यही काम होते हैं जैसे देखेंगे तो अंडरग्राउंड सिस्टम नोट करेंगे. दे मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप. तो ये हो गया ट्यूबर, ये हो गया बल्ब, ये हो गया राइजोम, और ये हो गया कॉर्म. तो ट्यूबर पाए जाते हैं पोटैटो में. ठीक है, ये पाए जाते हैं अनियन में. बल्ब अनियन हो गया, गार्लिक हो गया. राइजोम पाया जाता है, केला हो गया, कैना में पाया जाता है राइजोम, है ना. और ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, दिस इज जिंजर. जिंजर में पाया जाता है. कॉर्न पाया जाता है, ये कोलोकेशिया. कोलोकेशिया, तो कोलोकेशिया इसको हम अरबी कहते हैं, ये कोलोकेशिया हो गया, इसमें पाया जाता है. इन सब का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना. लेकिन साथ में यही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं. इन चारों का हम यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है, नोट कर लो, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए. दे मे बी बल्ब, कॉर्म, ट्यूबर और राइजोम. ये हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन है ना. एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा. तो राइजोम में मैंने आपको बता दिया क्या ना होता है, बनाना में पाया जाता है. और नेक्स्ट आ जाते हैं, अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन हो गया. अच्छा, एक दो चीजें और हैं जो मैं आपको और लिखा देता हूँ. दो मॉडिफिकेशन आपको और याद रखने हैं. इसके एग्जांपल जरूर आप याद रखिएगा कि कौन कैसा ले लिया स्क्रीनशॉट इसका. ठीक है, अब एक चीज और. यस सर. एक मैं डायग्राम और आपको दिखाऊंगा, आप उसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए. इसमें सब मॉडिफिकेशन देखो, ये अंडरग्राउंड का मॉडिफिकेशन हो गया चार, राइजोम, कॉर्म, बल्ब और ट्यूबर. ये हो गया एरियल का मॉडिफिकेशन, फिलोक्लैट, क्लैडोट, कॉर्न और स्टेम. और ये आएंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन, है ना. तो यहाँ पर अंडरग्राउंड हो गया, ये एरियल हो गया, ये सब एरियल, आधा नीचे आधा ऊपर, है ना. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये होते हैं रनर, है ना. तो रनर मैं एक आपको एक्सप्लेन कर दूँ. ये पाए जाते हैं रनर, जैसे ग्रासेस में पाए जाते हैं. तो रनर ऊपर की तरफ रन करते हैं, इनके नोड में यहाँ पे रूट निकली हुई है. ठीक है, दूसरे होते हैं स्टॉलन, इसमें ये स्टेम का ही पार्ट होता है, थोड़ी दूर जा करके फिर से अंडरग्राउंड यहाँ से एक नए प्लांट का फॉर्म करते हैं, इनको स्टॉलन्स बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ पे ये सकर जो होते हैं ये थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं हॉरिजॉन्टली और फिर बाहर की तरफ निकल आते हैं, तो इनको हम सकर कहते हैं, है ना.
और ये कॉर्निया हो गया, कॉर्निया होता है वाटर हाइसिंथ इसी को बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, पानी में प्लांट पाया जाता है, तो उसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टल स्टेम का थोड़ा सा पार्ट थोड़ी दूर जाता है और उससे नई लीव्स का एक बंच निकल आता है ना। तो इस तरह से जो सब एरियल, तो सब एरियल वो होते हैं जिनका थोड़ा सा कुछ पार्ट जमीन के वो जो लैंड के हॉरिजॉन्टली रन करते हैं उनको हम सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन कहते हैं, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आ जाते हैं कौन से, रनर, लिखो रनर। तो ए हेडिंग डालेंगे रनर। दे आर स्पेशल नैरो ग्रीन अबव द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम अबव द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम फुल स्टॉप। दे डेवलप इरेक्ट शूट एट बेसिस, दे डेवलप इरेक्ट शूट एट बेसिस नोन एज इरेक्ट शूट एट बेसिस नोन एज क्राउन। दे डेवलप इरेक्ट शूट एट बेसिस नोन एज क्राउन फुल स्टॉप। दे स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दे स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन फुल स्टॉप। Each runner have one or more nodes full stop. Example, dub grass जो नॉर्मली लॉन में लगी होती है उसको हम साइनोडॉन डेक्टोलियंस उसको बोलते हैं, जो धूप ग्रास लगी होती है क्रिकेट के फील्ड में या बाकी सब लॉन्स में लगी होती है, धूप ग्रास इसका एग्जांपल है। एक और प्लांट लिख दीजिए, मिंट जो पुदीने का प्लांट होता है वो भी ऐसे है, वो भी यही है, रनर ही है, मिंट हो गया, मिंट और धूप ग्रास इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी आपको स्टॉलन स्टकर और ऑफसेट ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और हमारा स्टेम मॉडिफिकेशन हो जाएगा, फिर हम लोग लीव्स और लीव्स मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, राइट? यस सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आप मुझे याद दिलाओगे कि स्टॉलन ऑफसेट और सकर रह गया है, ठीक है ना, ये आपको याद दिलाना पड़ेगा, आप नोट कर लीजिए स्टॉलन ऑफसेट और सकर नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है, ये रहेगा, क्योंकि रह जाएगा तो फिर देखो आपका ही नुकसान होगा, है ना। तो आपका काम है, मैं हमेशा क्रॉस चेक करता हूँ, हालांकि मैं याद रखता हूँ, क्रॉस चेक करूँ तो आप याद दिलाएगा, ठीक है, चलिए। तो बाय बाय ऑल ऑफ यू।